हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16th ऑफ अगस्त 2022 और हम देखने जा रहे हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल। क्या क्या पढ़ने हैं हमें आज के द हिंदू में? ठीक है, तो शुरू करते हैं पेज नंबर फर्स्ट से। पेज नंबर फर्स्ट पे आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म। पीएम मोदी ने कल अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में जो भी बोला था उसके रिगार्डिंग इस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसको GS2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, इन सब से आप रिलेट करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पेज नंबर वन पे ही एक और छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, यह है विथ गांधी 75 ईयर्स आफ्टर द फ्रीडम आवर। अब इसमें जो है, गांधी भवन इन कोलकाता फेल्ट एज लोनली ऑन हिज ओकेशन एज इट हैड बीन इन 1947। उसके बारे में, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है गांधी भवन के। तो इसको GS1 इंडियन हिस्ट्री, GS Paper 1 इंडियन हिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं और इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे के पेजेस पे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है नहीं, तो हम आ चुके हैं सीधे पेज नंबर 6 एडिटोरियल्स पर, जिसमें आज के एडिटोरियल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आ रखे हैं। पहला है द फ्रेजाइलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन। तो अब इसको आप GS2 डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं जो भी शेड्यूल है नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग, वहाँ के ट्राइब्स के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक छोटा सा नोट्स चाहे तो आप बना सकते हैं। साथ ही साथ बगल में एक आर्टिकल दे रखा है, मीटिंग एस्पायरेशंस, इंडिया नीड्स बेटर गवर्नेंस फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन पीपल, नॉट ग्लोबल अप्रोबेशन। इसका मतलब यह है, मतलब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इंडिया नीड्स बेटर गवर्नेंस फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन पीपल, नॉट ग्लोबल अप्रोबेशन। तो GS2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, GS Paper 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस के साथ इसे आप रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नीचे भी एक एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट है, द टेम्पल्स दैट जवाहरलाल नेहरू बिल्ड, नेहरूज ल्यूमिनस लेगेसी इज डीपली लेड इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी सिंस इंडिपेंडेंस। तो अब इस आर्टिकल को हम GS Paper 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ रिलेट कर सकते हैं, फिर आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। और जो भी फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, उसे चाहे प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए, हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो पेज नंबर 7 जो ओपेड करके पेज है, उस पर दिया गया हुआ है द साइकल्स ऑफ 1861 नीड टू गो। अब इसमें बताया गया कि जैसे इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पुलिस कंटिन्यू टू बी इन द पब्लिक गेज मोस्ट ऑफन फॉर एंटागोनिस्टिक रीजंस। तो इसमें 1861 जो IPC है उसमें चेंजेस की बात कही गई है, और तो इसको आप रिलेट करना चाहेंगे तो GS Paper 3 वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। आप, आशा करता हूँ आप सबने जो है सिलेबस साथ रखा होगा, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ GS Paper 3 GS Paper 2 साथ में आप वो पेज खोल के और नीचे देख सकते हैं कि कौन सा बाई पार्ट से वो रिलेट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ, एक ये आर्टिकल रह गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि जो है रोड मैप फॉर इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज, अब इंडिया एंड यू शुड नॉट लेट डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज ऑन सम इश्यू ओवरवेलम द कन्वर्जेंस ऑफ व्यू ऑन द अदर।
अब इसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, तो इसको अब क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए, साथ ही साथ 60 ईयर्स हो गए इन दोनों के रिलेशनशिप के, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं क्योंकि ऐसे कोई रिमार्केबल डेट्स पे अप्रोच करता है कोई चीज़, तो वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बना लेती है। तो ठीक है, जीएस पेपर 2 बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं तो जो है हमें छोड़ना नहीं है, सब कवर करके चलना है। अब एक आर्टिकल ये दिया गया हुआ है, हाँ, द कॉन्फ्लिक्ट ओवर नागोर्नो कारबाख, वॉट आर द वेरियस अनरिजॉल्व इश्यूज बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान विच हैज लेड टू कंसिस्टेंट सीज फायर वॉयस। अब आर्मेनिया और अजरबैजान एक दो साल पहले जो है न्यूज में था क्योंकि उनके बीच में वॉर छिड़ चुकी थी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या क्या रीजन है ऐसे, जैसे बीन एट सेंटर ऑफ 3 मेजर वॉर्स एंड मल्टीपल क्लैशेस फॉर डिकेड्स, एक पुराने डिकेड के एक साल मतलब एक डिकेड के अंदर अंदर 3 मेजर वॉर हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर इसको रिलेट करना चाहेंगे आप तो जीएस पेपर 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आर्टिकल एक नीचे दे रखा है कि द कॉन्ट्रोवर्सियल विजिट ऑफ चाइनीज वेसल टू हम्बन टोटा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ शिप इज द युआंग युआन मोंग 5, व्हाई इज इट्स प्रेजेंट इन द इंडियन ओशियन, अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको रिलेट करना चाहेंगे तो जीएस पेपर टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे आप देख सकते हैं एक आर्टिकल दे रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे सीजीआई रमन्ना रिमेम्बर्स पिंगली वेंकैया जी को रिमेम्बर करते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही है। आप जो है इस आर्टिकल को आप रिलेट करना चाहेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये आर्टिकल भी हो गया और एक आर्टिकल और बच रहा है, उसे भी देख लेते हैं। पेज नंबर 12, पेज नंबर 13। ठीक है, ये रहा। अब इंडिया गिव्स डोर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका, कोलंबो हैड रिक्वेस्टेड टू ऑफ देम इन 2018, अनेबल टू अराइव विद इन 2 ईयर्स। आप कैसे इंडिया ने डोर्नियर एयरक्राफ्ट दिया, तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वन डे एग्जाम में बन सकते हैं कि इंडिया ने किस कंट्री को डोर्नियर एयरक्राफ्ट दिया, या इंडिया ने श्रीलंका को जो एयरक्राफ्ट दिया वो उसका नाम क्या है। ऑप्शन दे के चारों पे जो है क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे रिलेट करना चाहेंगे तो जीएस पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के न्यूज़पेपर में यही भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप इन आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट डाउन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।